हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल नॉलेज पे। दोस्तों, अगर आप 6 तारीख को, 6 जनवरी को एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो इस विज्ञप्ति को ज़रूर देख लें और ध्यान से देख लें। इसके अलावा कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है आपको, उसके बारे में बात करूंगा आपसे, ठीक है? तो दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखें और सुने आप, क्योंकि आपने टेट पास कर लिया है, अब आपका फाइनल है। अगर यहाँ पे आपकी थोड़ी सी भी गलती होती है तो आप पीछे चले जाएंगे, तो आपको कोई गलती नहीं करनी है। उन सब सारी चीज़ों को मैंने पॉइंट किया हुआ है, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा। मेरा मतलब केवल है आपको रिमाइंड कराना, याद कराना, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है? तो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं पहले इस विज्ञप्ति को जो कि आई हुई है, कि क्या क्या आपको ले जाना अपने साथ, ठीक है? तो अब सारा डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं बहुत कम टाइम लूंगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर उक्त प्रवेश, यानी जो अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे उसके साथ, ठीक है, अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ में से किसी एक प्रमाण पत्र के साथ लाना अनिवार्य, सॉरी, को साथ लाना अनिवार्य है। यानी जो आपने फोटो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए जो लगाया था, वैसी फोटो आपको अपने साथ ले जानी है, ठीक है? पहली चीज तो आपको ये ध्यान देना है। प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जानी है, तो प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र, यानी बीएड है, बीटीसी जो भी है आप, तो उसकी जो जो मूल प्रमाण पत्र है उसको आपको अपने साथ ले जाना है। यानी आपको फोटो स्टेट नहीं ले जाना है, ध्यान रखना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। ये चीज़ आप ध्यान दें। कई मित्र क्या करते हैं, गलती से फोटो कॉपी लेके चले जाते हैं, तो आपको फोटो कॉपी नहीं लेके जानी है। क्या ले जाना है, मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल आपको ले जाना है, ठीक है? अगर ये नहीं है तो क्या करना है, दूसरी चीज देखिए, प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र, ठीक है? जहाँ अंतिम जो सेमेस्टर है वहाँ पे आपको अंक पत्र मिला होगा, उसकी मूल प्रति। अगर मूल प्रति नहीं है तो क्या करना है, अंक पत्र की मूल प्रति न होने पर इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रति को संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार प्रचार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर अपने साथ ला सकते हैं। यानी आप नेट से निकाल लें और उसको क्या करें, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से या रजिस्ट्रार से या सक्षम अधिकारी से उसे आपको अटेस्ट करवा लेना है, प्रमाणित करवा लेना है, तो उसको आप ले जा सकते हैं, वो वैलिड होगा, ठीक है? तो दूसरी चीज़ ये हो गई। उसके बाद क्या कर ले जा सकते हैं आप, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी जो टेट है उसका ले जा सकते हैं, या सी टेट का भी आप मूल प्रमाण पत्र ले, यूपी टेट का भी आपको ध्यान रखना है, मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है, और सी टेट का भी आप मूल प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। उक्त के बिना, यानी इनके बिना परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी, इसके बिना आपको एंट्री ही नहीं दी जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और सबका आपको क्या करना है, मूल ले जाना है यानी ओरिजिनल ले जाना है, अभी चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे है, अगर आप मूल पत्र नहीं है आपके पास तो आपको अटेस्ट कराना है, यानी किसी सक्षम अधिकारी से उसको प्रमाणित कराना है, उसके बाद आप ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई। आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ क्या ले जाना है, और फोटो भी आपको वही ले जानी है जो आपने पहले से और फॉर्म भरते समय यूज इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक? तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं सावधानियाँ क्या क्या बरतनी, मैं अब ये चीज़ थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या बरतनी है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ओएमआर शीट जो है आपका बहुत ध्यान से अपना सबमिट कराना है। अगर आपका ओएमआर गायब मिलता है तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। देखिए, मैं ये डार कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है प्रथम सूचना, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, जिसका ओएमआर शीट गायब होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको केवल ब्लैक, ठीक है, यानी काले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, तो आप ब्लू पेन ना ले जाएं, ब्लैक का इस्तेमाल करना है तो आप ब्लैक पेन ही लेके जाएं, ठीक है? अब जैसे ही आपको बुकलेट मिले, ध्यान से देख लेना है कि उसका कोई पेज तो गायब नहीं है, और उसके निर्देशों को पढ़ लेना। सबसे बड़ी चीज़ है ओएमआर में, क्या आपने देखा इस बार बहुत से लोगों के टेट में खासकर उसको रिजल्ट नहीं आया, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। वाइटनर तो एकदम इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, आपको उसको टेम्पर नहीं करना है, ठीक है, यानी ब्लेड वगैरह से जो खरोचे मार देते हैं वो भी नहीं करना है। और पहले क्या करना है, आपका 5 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ध्यान से जैसे ही आए आपको अपना बुकलेट सीरीज, नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर वगैरह, सेंटर कोड, सारे के सारी चीज़ें सही भरनी है और ध्यान से भरनी है। खासकर जो ओएमआर में गोला लगाना है उसमें आपको कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि एक गलती जो है वो आपको कई सालों तक इंतजार करा सकती है, तो ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है? तो ये सारी और चीज़ बताता हूँ मैं, मेन मेन क्या है। अपने साथ आप एक कार्डबोर्ड भी ले आ सकते हैं, ताकि आप आसानी से उसको रख के अपना पेपर
उस पर रख के दे सकते हैं। और एग्ज़ाम के शुरू होने के 10 मिनट के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें, ठीक है। ये परीक्षा के 30 मिनट पहले ही खोल दिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप समय से पहुँच जाएँ और जैसे ही हो दरवाज़ा खुले आप एंटर कर जाएँ। ये चीज़ों को ओएमआर में कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ देखिए, केवल बॉल ब्लैक बॉल बॉल पॉइंट का ही यूज़ करना है, पेंसिल का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। पिछली बार क्या किया, कई लोगों ने पेंसिल का यूज़ किया, पेंसिल का यूज़ करने पे भी आपको आपका चेक नहीं होगा, तो इसलिए इसको भी नहीं करना है, ठीक है। और आपके पास आईडी होनी चाहिए, पता ही आपको कौन सी आईडी होनी चाहिए, और जहाँ पे आपसे सिग्नेचर कराया जाए उस सीट पे भी आप ज़रूर सिग्नेचर कर दें। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रफ कार्य, जहाँ एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि कुछ लोग हमें मुझे ऐसे मिले हैं जिनकी स्पॉट की वजह से शायद वो कह रहे हैं कि हमारा चेक नहीं हो पाया है, तो आपको ऐसे ध्यान से रखना है कि ओएमआर सीट पे एक्स्ट्रा जो बनती हैं जिससे निशान पड़ जाते हैं वो निशान ना पड़े, तो जहाँ रफ कार्य के लिए आपको जगह दिया गया वहीं पे आप रफ कार्य करें, ठीक है। ऐसी गलती ना करें कि कई लोग ऐसे मेरे से बात मिले और बात कर रहे थे कि मेरे डॉट पड़ गए हैं या निशान पड़ गए शायद इसकी वजह से उसके ऊपर डबल गोल लग गए हैं, तो ऐसी गलती ना करें, अपना अलग से कार्य करें ताकि जो आपकी ओएमआर है उसके ऊपर कोई दाग वगैरह ना पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और कोई गलती आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें वीडियो को, नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहें हम। दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।